हेलो फ्रेंड्स, फाइनली पठान के फर्स्ट डे के कलेक्शन का वेट खत्म हुआ। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई करेक्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं पठान मूवी के बारे में कि पठान मूवी ने अपने 3 दिनों में कितना पैसा कमाया है। वैसे तो पठान मूवी की एडवांस बुकिंग काफ़ी अच्छी चल रही थी, बहुत ही बढ़िया एडवांस बुकिंग की पठान मूवी की, और जो पहले देखे कलेक्शन इसके आए हैं वो है 57 करोड़ इन इंडिया। इंडिया में पठान ने 57 करोड़ कमाया है पहले ही दिन, और इसके पहले दिन का वर्ल्ड वाइड का अगर कलेक्शन हम सोचे तो वर्ल्ड वाइड में इसने कमाया है 100 करोड़, यानी आउट ऑफ इंडिया इसने कमाया है 40 to 45 करोड़, पूरा मिला के हो जाता है 100 करोड़। सेकंड डे का कलेक्शन मैं आपको बताऊंगा, सेकंड डे का जो कलेक्शन की फिगर आया है वो है 60 करोड़, और वर्ल्ड वाइड सेकंड डे का कलेक्शन अगर वो सोचो तो वो भी करीबन 30 to 40 करोड़ है। यानी सेकंड डे में इस मूवी ने टोटल मिला के कमाया है मोर देन 150 करोड़। तो पठान 2 दिन में ही ब्लॉकबस्टर हो गई, और केजीएफ ने जो पहले ही दिन 46 करोड़ रुपए कमाए थे केजीएफ 2 ने, उसका भी रिकॉर्ड पठान ने तोड़ दिया है, और पठान अब तक की हाईएस्ट ग्रॉसिंग 2023 की बन चुकी है और आज तक की भी हाईएस्ट ग्रॉसिंग बन चुकी है। सो दोस्तों, वीकेंड ख़त्म होते होते ये मूवी कम से कम 300 साढ़े 300 का बिजनेस कर लेगी, यानी कि आज है सैटरडे कल है संडे, तो संडे ख़त्म होते होते ये मूवी कमा लेगी कम से कम 300 करोड़। और मंडे जो टेस्ट रहता है, क्योंकि मंडे में बहुत से लोग अपने ऑफिस से काम में लगे हुए रहते हैं, ज़्यादा लोग कोई मूवी देखने जाते नहीं, तो मंडे के भी इसका कलेक्शन बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, तो पता चलेगा कि पठान कितना कमा पाती है। और आफ्टर मंडे यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि पठान अपने लाइफ टाइम कलेक्शन कम से कम 1000 करोड़ करेगी। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के थैंक यू।